सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में। यहाँ पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स को लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लॉकहेड मार्टिन की तरफ से है। अमेरिकन एरोस्पेस एंड डिफेंस मेजर लॉकहेड मार्टिन अब इंडिया में ही कस्टम बिल्ट F-35 जेट्स को मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव रखा है। लॉकहेड मार्टिन का कहना है कि वो इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम का एक पार्ट बनाना चाहता है और इंडिया को जो F-16 वो ऑफर कर रहे हैं उनकी 95% सॉफ्टवेयर और 70% हार्डवेयर F-35 से सिमिलर है। इंडिया को ऑफर किए गए F-16 में एडवांस APG-83 ASR रडार, मॉडर्नाइज कॉकपिट, ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं और इंडिया को ऑफर किए जाने वाले F-16 की कॉम्बैट रेडियस भी 1300 किलोमीटर का है जो कि कॉम्पिटिटर से 30% ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इंडिया को F-35 ऑफर किया जाएगा या फिर नहीं। ये आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम में छपा था और मुझे लगता है कि लॉकहेड मार्टिन शायद बोथ F-16 और F-35 को इंडिया को ऑफर कर रहा है, लेकिन शायद वो F-16 को खरीदने पर ही F-35 को ऑफर करने वाला है। दोस्तों, अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। सुनने में आया है कि अभी ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है और नए मिसाइल की टेस्ट 2018 के एंड तक की जाएगी। पहले ब्रह्मोस की रेंज 290 से लेकर 400 किलोमीटर था, लेकिन 2016 में जब इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम ग्रुप का हिस्सा बना तब ब्रह्मोस की रेंज को और ज्यादा बेहतर बनाने का मौका मिला। पहले रेस्ट्रिक्शन की वजह से इसके रेंज को 300 किलोमीटर तक सीमित रखा गया था। फरवरी 2017 में DRDO ने अनाउंस किया था कि अभी ब्रह्मोस की एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है जो कि 800 किलोमीटर दूर तक मार कर सकेगा। पहले ही इसे SU-30 MKI से टेस्ट फायर किया जा चुका है और सुनने में आया है कि लैंड और नेवल वेरिएंट से एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाली ब्रह्मोस का वजन 500 किलोग्राम कम होगा। लार्सन एंड टर्बो के द्वारा कोस्ट गार्ड के लिए बनाया जा रहा ऑफशोर पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट की सेकेंड वेसल को आज लॉन्च किया गया है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाई गई इस वेसल का नाम विजय रखा गया है। इसमें अत्याधुनिक रडार, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को लगाया गया है जो कि दिन और रात में भी पेट्रोल कर सकता है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1432 करोड़ है जिसमें 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाए जाने वाले हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंदर बना पहला OPV मार्च 2018 में सर्विस में एंटर किया जाएगा और अभी लॉन्च किया गया वेसल को वेरियस सी ट्रायल के बाद सितंबर 2018 में शामिल किया जाएगा। इन शिप्स में 30 mm का एक मेन गन दिया गया है, साथ ही दो 12.7 mm के हैवी मशीन गन भी दिए गए हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड 26 नॉट तक है और इसमें एक साथ 102 क्रू मेंबर सफर कर सकते हैं। S-400 सिस्टम को लेके भी एक छोटी सी अपडेट है। दोस्तों, चाइना को भेजे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशिया से चाइना ले जाते वक्त स्टॉर्म की वजह से S-400 सिस्टम को कुछ डैमेज का सामना करना पड़ा है। चाइना पहली फॉरेन कंट्री है जिसने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट को 2014 में साइन किया था। डैमेज की वजह से अभी डिलीवरी की जाने वाली S-400 सिस्टम को वापस रशिया ले जाया गया है और इसकी डिलीवरी डेट को फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। 17 जनवरी को मीडिया रिपोर्ट से पता चली थी कि अब आर्मी के लिए 1,60,000 राइफल्स और कार्बाइन्स को खरीदा जाने वाला है, जिनमें से 72,400 असॉल्ट राइफल और 93,850 कार्बाइन्स को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तौर पर खरीदा जाने वाला है। इस टेंडर की टोटल कॉस्ट 3,547 करोड़ है और सोर्सेज से पता चली है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है और बहुत ही जल्द ही इस टेंडर को फ्लोट किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद मेक इन इंडिया के तहत इंडियन आर्मी की 382 इन्फेंट्री बैटालियन और 63 राष्ट्रीय राइफल बैटालियन को भी अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल और कार्बाइन से इक्विप किया जाने वाला है। हालांकि इस डील को लेकर अभी ग्लोबल टेंडर इशू किया जाने वाला है, लेकिन कुछ सोर्सेज का कहना है कि इंडिया शायद इस बार कोई इसराइली मेड असॉल्ट राइफल को चुन सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।